दोस्तों आज जो प्रोडक्ट के रिव्यू करने वाला हूँ वो है जेनिथ न्यूट्रिशन के प्रोबायोटिक ब्लेंड के बारे में। प्रो मतलब फॉर और बायोटिक मतलब लाइफ, बैक्टीरिया फॉर लाइफ, इज कॉल्ड प्रोबायोटिक। प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। फिटनेस में या बॉडी बिल्डिंग में अक्सर लोग बहुत सारे फूड कंज्यूम करते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। वेट गेन हो या मसल गेन या फिर वेट लॉस, आप 5 से 8 मील तो ले रहे हैं और काफी ज्यादा खा रहे हैं, तो क्या होगा अगर आपके फूड डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, बार बार आप टॉयलेट के चक्कर लगा रहे हैं, फूड तो आपके बॉडी को नहीं लग रहा है, तो क्या करें, सारा खाना तो टॉयलेट में ही चला गया। दोस्तों अच्छे डाइजेशन होना बहुत ही जरूरी है, चाहे आप मसल बिल्डिंग करें या फैट लॉस करें, या आप एक आम इंसान हो, मतलब नॉर्मल इंसान जो जिम वगैरह नहीं करते, उनके भी डाइजेशन स्ट्रांग होना बहुत ही मायने रखता है। दोस्तों जो फूड आप ले रहे हो स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो फूड ब्रेक होने के बाद जाता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू ही ब्लड वेसल में वो सारे फूड जाता है, उसके बाद वो फूड ऑर्गन्स में जाता है या मसल्स में जाता है, और जो फूड वेस्ट हो जाता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और वेस्ट फूड के रूप में बाहर निकल जाता है। तो जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जा रहा है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में और बाहर आ रहा है, मतलब अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड, ब्लास्टिम में नहीं गया, वो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, वो फूड बिना डाइजेस्ट के ही लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया है, उसके बाद बॉडी से वो बाहर निकल रहा है। दोस्तों हमारे इंटेस्टाइन के अंदर 2 टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं, एक गुड और दूसरी बैड। जो गुड बैक्टीरिया होते हैं स्टार्ची फूड, शुगर, फाइबर को ब्रेक करता है और प्रॉपर एब्जॉर्ब करता है, मतलब गुड बैक्टीरिया डाइजेशन में आपको हेल्प करता है। आज के जो हमारा लाइफस्टाइल है, हम ज्यादा सुगरी फूड खा रहे हैं, एम्प्टी कैलोरी वाला फूड भी खा रहे हैं, अल्कोहल लेते हैं या स्मोक करते हैं, ये सारे फूड टॉक्सिक हो जाता है बॉडी के लिए, जिनसे गुड बैक्टीरिया कम हो रहा है और बैड बैक्टीरिया ज्यादा हो रहा है, तो डाइजेशन की प्रॉब्लम तो होगा ही, तो इससे क्या होगा, आप बार बार टॉयलेट के चक्कर लगाएंगे। दोस्तों आपको सबसे पहले बैक्टीरियल इम्बेलेंस को ठीक करना पड़ेगा, उनके लिए गुड बैक्टीरिया को ऐड करना पड़ेगा, आपको प्रोबायोटिक फूड ऐड करना पड़ेगा अपने डाइट में, और नहीं तो आपको प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स ऐड करना पड़ेगा आपके डेली लाइफ में। दोस्तों हमारे पास जो सप्लीमेंट्स है वो है जेनिथ न्यूट्रिशन की प्रोबायोटिक ब्लेंड सप्लीमेंट। ये प्रोबायोटिक ब्लेंड सप्लीमेंट आपके गुड बैक्टीरिया को इंक्रीज करने में, बॉडी में अगर बैक्टीरियल बैलेंस ठीक हुआ, आपके फूड आसानी से ब्रेक हो जाएंगे और प्रॉपर डाइजेस्ट होंगे। जेनिथ न्यूट्रिशन के इस प्रोबायोटिक ब्लेंड में आपको 120 कैप्सूल मिल रहे हैं, पर डे आपको 2 कैप्सूल लेना पड़ेगा लेवल के हिसाब से, जो आपके डाइजेशन और इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाएंगे। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होंगे तो आप बीमार कम होंगे, तो एक दिन भी आपको वर्कआउट मिस नहीं करना पड़ेगा। ऐसे तो इन प्रोबायोटिक ब्लेंड का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो या किसी भी मेडिकल कंडीशन में रह रहे हो तो एक बार डॉक्टर से जरूर पूछ लीजिए। दोस्तों आज बस इतना ही, वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दे देना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।